कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन कुछ आविष्कार से लोगों की आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना बड़ा भारी पड़ता है। कुछ ऐसी ही हमारे रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने वाली प्लास्टिक, यानी कितने प्लास्टिक के सामान का उपयोग हम सुबह से लेकर शाम तक हफ्ते के सातों दिन करते हैं। इसने लोगों के जीवन को आसान बनाया, लेकिन आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना इस संसार को बड़ा भारी पड़ेगा। यह ऐसा आविष्कार है जो मानव सभ्यता के अंत के बाद मानव सभ्यता की निशानी लिए हुए इस पृथ्वी पर मौजूद रहेगा। घर से लेकर सड़क पर, नदियों से लेकर समुद्रों के ऊपर तैरते हुए ये हर जगह आपको दिख जाएंगे। 21वीं सदी की सबसे बड़ी कयामत बनकर उभरी है यह प्लास्टिक। जितना इसका उत्पादन होता है उसमें से सिर्फ 20% ही रिसाइकल हो पाती है। 80% कूड़े के ढेर के रूप में समुद्रों के ऊपर तैरते हुए भी दिख जाएंगे। इस प्लास्टिक ने जहां मनुष्यों को एक एडवांस लेवल पर पहुंचाने का काम किया है, वहीं जाने कितने जीव जंतुओं के मृत्यु का कारण भी बना है। सड़कों के किनारे जमा कूड़े के ढेर में जाने कितनी गाय भैंसे, मवेशी, फल सब्जियों के छिलके आदि को खाने के साथ साथ इस प्लास्टिक को भी निगल जाते हैं, जो आगे चल के उन मवेशियों की जान का कारण बनता है यह प्लास्टिक। यहाँ तक कि यह प्लास्टिक जाने कितने समुद्री जीवों की मौत का कारण बन बैठा है। मछलियों के शिकार करने के दौरान यह प्लास्टिक बड़ी बड़ी मछलियों के मुंह के साथ उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, जो बाद में उनकी मौत का कारण बनता है। प्लास्टिक का ढेर जो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरा है, यह पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसलिए कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें और पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।